नमस्कार प्यारे बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है तो प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर की शुरुआत की थी मैथ्स में जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दो चर वाले रेखिक समीकरण ये हमारे चैप्टर का नाम था और प्यारे बच्चों इस चैप्टर की खास बात मैंने आपसे यही बताई थी कि ये चैप्टर अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो सबसे ईजी और आपका फेवरेट चैप्टर ये बहुत जल्द बन जाने वाला है और इसका रीजन क्या है इसका रीजन है कि इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रेगुलर लाइफ पे होते हैं जो आप लोग अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते हैं समझ रहे हो मेरी बात ठीक है जो भी आप सामान खरीदना ठीक है कहीं जाना कहीं आना ठीक है कहीं नाव में तैर नाव में नाव चलाना या आपका तैरना ठीक है आपका भागना ट्रेन में चलना ये सारी जो आपके रेगुलर लाइफ में चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड इन पे क्वेश्चन बनते हैं ये एक बहुत अच्छी बात है और सीधी सी बात है जब कोई काम हम अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं तो हमसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी और को उस चीज़ का नहीं हो सकता अगर आप बैटबॉल खेलते हैं तो अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा है कि भाई चौके छक्के सिंगल डबल बड़े प्यार से ले लेता है तो इसका रीजन क्या है भाई इसका रीजन ये है कि वो अपने रेगुलर लाइफ में उस चीज को बड़े अच्छे से सीख रहा है तो जब उससे रिलेटेड उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अच्छे से सीखेगा लेकिन अगर कोई प्लेयर खेल कुछ और रहा है फुटबॉल और उसको ले आए क्रिकेट में तो भाई वो उस लेवल पर अच्छा नहीं खेल पाएगा रीजन क्योंकि वो अपने रेगुलर लाइफ में क्रिकेट को अच्छे से नहीं खेल रहा है तो इसलिए उसे अच्छे से नहीं समझेगा तो इसलिए बच्चों हम क्वेश्चन वही वही उठाने जा रहे हैं जो आप अपने रेगुलर लाइफ में कई बार कर चुके हो और कई बार देख चुके हो तो चलिए पहले लास्ट क्लास का मैं रिवाइज करा देता हूं मैंने आपसे बताया आपसे बात की थी कि दो लाइन जब भी आपस में मिलती हैं तो वो तीन तरीके से मिलती हैं पहला इंटरसेक्टेड लाइन अगर याद होगा आपको इंटरसेक्टेड लाइन हिंदी में हिंदी में क्या बोलेंगे इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं सही बात है ठीक है और सेकंड था क्या भाई हमारा को इंसिडेंट को इंसिडेंट हिंदी में समपाती रेखाएं ठीक है और तीसरा रिलेशन क्या था बच्चों तीसरा रिलेशन था हमारा तीसरा था पैरल लाइन याद है पैरल लाइन हिंदी में समांतर कोण सॉरी समांतर रेखाएं ठीक है प्यारे बच्चों अच्छा अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हैं एक पॉइंट पे कितने पॉइंट पे एक पॉइंट पे ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था कि इनकी इक्वेशन देखने में कुछ ऐसी लगती है, याद है देखने में कुछ ऐसी लगती है और इनके बीच में रिलेशन होता है a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 ठीक है बच्चों यही रिलेशन बताया था और मैंने क्या बताया था कि जब इस प्रकार का रिलेशन हमें दिख जाए संबंध दिख जाए तो वो जो होता है क्या होता है इंटरसेक्टेड लाइन होता है और इसके कितने सोल्यूशन होते हैं इसका होता है ओनली वन सोल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे केवल एक हल केवल एक हल याद आया जिसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं ठीक है कुछ भी लिख लो बात एक ही ठीक है क्लियर हो रहा है बच्चों अच्छा एक बात और बता रहा हूं जिनका केवल एक हल हो या कई हल हो वो ना एक प्रकार के कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंट ठीक है हिंदी में बोले तो संगत होते हैं क्या होते हैं संगत संगत का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के प्रति जवाब दे हैं, एक दूसरे के प्रति आंसर दे सकते हैं ठीक है अकाउंटेबल है मतलब क्या कि भाई ये लाइन इक्वेशन uh, इस पे भी पुट हो सकती है और इस लाइन की इक्वेशन इस पे भी पुट हो सकती है ऐसा क्यों क्योंकि संगत का मतलब यही होता है अब जैसे आप हो और आपके भाई है या आपकी बहन है वो आप दोनों एक दूसरे के संगत हो क्या कि आपके मम्मी पापा भी उनके से रिलेट कर रहे हैं और उनके मम्मी पापा भी आपसे रिलेट कर रहे हैं समझ रहे हो बच्चों बात को तो वही सारी चीज हो गई जब कोई एक कॉमन चीज दो या दो से ज्यादा चीजों से रिलेट करे उसी को संगत कहा जाता है कंसिस्टेंट कहा जाता है ठीक है चलिए अगला संपाति तो संपाति तो आपको पता ही है मैंने क्या बताया था कि जब एक लाइन पर ही एक लाइन पर ही दूसरी लाइन आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं को इंसिडेंट लाइन कहते हैं संपाती रेखाएं कहते हैं और इस सिचुएशन में क्या होता है इक्वेशन तो वही बनाएंगे ए एक्स वन बी वाई वाई प्लस सी वन बराबर जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो ठीक है और इसका रिलेशन क्या था ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन में सी टू बच्चों यही था ना रिलेशन ठीक है अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है मैनी सोल्यूशन क्या होता है मैनी सोल्यूशन मतलब क्या अनेक हल कितने हल अनेक हल और अनेक हल जो होता है बच्चों इसका मतलब क्या हुआ देखो जब ये एक बार काट रहा है तो कंसिस्टेंट है तो ये तो लगातार एक दूसरे को बार बार काट रहे हैं तो बार बार काटने का मतलब हुआ ये बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं तो जब ये सॉल्यूशन दे सकते हैं तो ये भी कैसा होगा कंसिस्टेंट होंगे कैसे होंगे कंसिस्टेंस होंगे हिंदी में संगत होंगे ठीक है चलिए अगला आता है पैरल लाइन्स तो मैंने पैरल लाइन्स के बारे में क्या बताया था कि भाई ये दो पैरल लाइन्स है ठीक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन पहले की इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू दूसरे की इक्वेशन और इनका आपस में रिलेशन होता है अपॉन में बर, बराबर बी टू लेकिन बराबर नहीं है सी वन अपॉन में सी टू याद आया अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है कहीं पे भी एक दूसरे को काट भी नहीं रहे जब एक दूसरे को काट ही नहीं रहे तो क्या बोलेंगे नो no सॉल्यूशन कोई हल नहीं कोई हल नहीं यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या होंगे ये इनकंसिस्टेंस होंगे इन कंसिस्टेंस ठीक है हिंदी में आसंगत होंगे क्या होंगे

तो देखो ये एनसीआरटी के 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट है ये ठीक है मैं बता देता हूं कौन कौन से पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ और फोर्थ है ये ये फिफ्थ पार्ट है ये फोर्थ पार्ट है एन का किसका है ये एन का ठीक है जी चलिए तो एक एक करके सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है ठीक है हिंदी में कौन संगत है कौन असंगत है ठीक है तो मैंने बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कई बच्चों ने मुझे होमवर्क करके भेजा और उनका होमवर्क ऑलमोस्ट सही था ऑलमोस्ट क्या काफी बच्चों का तो पूरा ही सही था कुछ एक दो बच्चों की थोड़ी थोड़ी गलतियां थी तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे ही बताया तो समझ में आ गया और जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया वो एक बार देख लो तो चलिए शुरू करते हैं जैसे अब ये फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे लिए कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट और ये हमारे लिए कौन सी है? सेकंड, ठीक है जी अच्छा तो इसके एक्स के साथ कौन है पांच तो ए वन हो गया 5. B1, B1 कौन होता है? तो कितना हो गया? -3. और C1 कौन है? 11. फिर, में देखो a2 कितना माइनस का बाईस अब चेक करते हैं क्या सीन है ठीक है भाई चलो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे बी टू ठीक है जी चलो ए वन कितना है पांच ए टू माइनस दस बी वन माइनस तीन पांच एकम पांच पांच एकम तीन तीन दस तीन ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस भी ऊपर चला जाएगा ठीक है अब दोनों तो आगे सेम दोनों तो आगे सेम तो इसका मतलब ये क्या है ये कैटेगरी आ गई सेम सो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इसे हम थर्ड मानेंगे नाउ आप क्या करेंगे बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर लेंगे c1 upon C2, है? तो चलो बी वन कितना है? -3 बटा 6, c1 C2 कितना है? 11 तो तीन एकम तीन तीन ज्यार एकम ज्यार तो मैंने बता दिया ना माइनस ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये भी सेम आ गया सो so, इसका मतलब b1 अपॉन बी टू बराबर है c1 अपॉन में सी टू और जब ये भी बराबर आ गया तो इसको फोर्थ मानेंगे अब लिखेंगे बाय थर्ड एंड फोर्थ इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखेंगे तीसरे और चौथे समीकरण द्वारा तीसरे और चौथे समीकरण द्वारा तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि बच्चों ए वन अपॉन में ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू और बी वन अपॉन में बी टू बराबर है सी वन अपॉन में सी टू तो हमने क्या देखा कि भाई हमने ये देखा ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू और बी वन अपॉन बी टू बराबर है सी वन अपॉन सी टू तो ये तो तीनों आपस में बराबर हो गए और जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो आपको अच्छे से पता है वो कौ होते हैं होते हैं कि नहीं होते होतेडेंट मतलब क्या हुआ संपाती और जो संपाती होते हैं वो क्या होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं मतलब संगत होते हैं क्या होते हैं संगत होते हैं क्लियर हो रहा सभी बच्चों को दिख रहा है ठीक है क्या होते हैं ये संगत होते हैं तो इतना इजी सा था ठीक है चलो अब यहां करते हैं फोर्थ करते हैं फिर से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ए वन कौन है चार बटा तीन बी वन कौन है टू सी वन कौन है आठ ए टू कौन है दो सेकंड इक्वेशन में बी टू कौन है तीन और सी टू कौन है बारह सी टू कौन है बारह तो बस सिंपल सॉल्व कीजिए नाउ ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू ए वन कितना है बोलो चार बटा तीन ए टू कितना है दो बी वन कितना है दो और बी टू कितना है तीन अब मैंने आपको क्या समझाया था कि बच्चों एक बात याद रखना जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर आपके सामने लिखा हुआ ऐसे दो बटे में दो बटे में तीन बटा पांच ऐसे लिखा हुआ है मतलब एक नंबर के नीचे बटे वाला नंबर तो पता क्या करोगे आप इस नीचे वाले बटे को पलट दोगे मेरी बात को ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा कि अगर नंबर के नीचे बटा है तो नीचे वाले बटे को पलट दो पलटते ही कुछ ऐसा बनेगा ये। कैसे देखो मेरी उंगली को देखना ये ऐसे पलटा तो पांच गया ऊपर तीन गया नीचे तो ये ऐसे हो जाएगा लेकिन अगर अगर ऐसे लिखा हो दो बटा तीन बटे में पांच यानी पहले बटे वाली संख्या नीचे थी लेकिन अब बटे वाली संख्या कहां है ऊपर अब बटे वाला नंबर कहां है ऊपर तो ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करते हैं इस वाले नंबर को नीचे लाके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं इस वाले नंबर को खिसका के नीचे ले आते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां भी देख सकते हो कि बटे के नीचे नंबर है तो बस इस नंबर को लाके नीचे ले आओ 2 3/2 2/3 तो क्या होगा 2 से कटेगा 2 तो देखो 2/3 2/3 आगे दोनों बराबर आगे कि नहीं आगे ठीक तो इस प्रकार से तो जब भी बटे के नीचे नंबर हो तो नीचे वाले को लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं अब जब दोनों बराबर आ गए तो हम लिखेंगे सो ए वन अपॉन में ए टू बराबर है बी वन अपॉन में बी टू ठीक है चलो अब क्या करेंगे अब करेंगे नाउ बी वन अपॉन में बी टू बराबर सी वन अपॉन में सी टू तो बी वन कितना है बी वन है दो यह है तीन यह है आठ यह है बारह तो दो एकम दो सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं हाँ भाई चार दुनिया आठ चार थी या बारह तो ये भी दो बटा तीन दो बटा तीन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया सो बी वन अपॉन बी टू इज ऑल्सो इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू इज ऑल्सो इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू नाउ अब इसको तो थर्ड मान लोगे इसको फोर्थ मान लोगे बाय थर्ड एंड फोर्थ तो क्या होगा थर्ड का ए वन अपॉन में ए टू बराबर किसके आया है B1 वन अपॉन में बी के और फोर्थ में क्या आया है B1 वन अपॉन में बी बराबर C1 वन अपॉन में सी तो फिर से तीनों बराबर आ गए और जब तीनों बराबर होते हैं तो वो संपाती होता है और साथ ही साथ संगत होता है तो हमें ऐसे पता करना है बच्चों ठीक है तो फटाफट नोट कीजिए ठीक है इसे फटाफट नोट कीजिए वीडियो पॉज करके और वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फटाफट अच्छा नोट कर लिया सही बच्चों ने आप मेरी बात सुनेंगे इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो आपको यह कहता है कि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो ग्राफ पर उसको प्रदर्शित करो दर्शाइए तो बच्चों ग्राफ वाला अभी हम नहीं कर रहे हैं ठीक है बकायदा मैं आप लोगों को उस पर पे ग्राफ पेपर आप लोगों से मंगवाया जाएगा ठीक है और फिर रिप्रेजेंट करवाया जाएगा तो ग्राफ की अभी इतनी जल्दी नहीं है पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखो क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाओगे तो तुम्हें आंसर का पता होगा कि हाँ भाई ग्राफ में भी हमारा आंसर क्या आएगा और अगर मैं अभी ग्राफ सिखा दूंगा तो आपको क्या होगा आप हर समय एक शंका में रहेंगे कि भाई मेरा आंसर सही है या नहीं सही मतलब क्या कि आपके जो लाइनें कट रही हैं वो सही जगह पे कट रही हैं या नहीं कट रही हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा ग्राफ वाले के लिए क्योंकि पहले न्यूमेरिकल सीखो न्यूमेरिकल के बाद ग्राफ सीखो ताकि आप लोगों को आंसर निकालने में आसानी हो ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सब्सिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि बच्चों मतलब यह समझ लो अब आपको मैं एक एक करके क्वेश्चन के उस लेवल पे ले चलूंगा कि आपको खुद लगेगा कि हां जी अब क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे आना शुरू हो गए हैं जैसे अभी मैं सबसे पहले आपके सामने एक सा लेता, हूं। ठीक है? एक सा लेता हूं जैसे ये देखो एक मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं बच्चों क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू बारह एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बारह ठीक है चौबीस आठ और और ये क्वेश्चन हमारे पास बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये है ठीक है तो क्या है क्वेश्चन वाई बराबर बारह एक्स प्लस वाई बराबर बारह इक्वेशन फर्स्ट और 3x एक्स प्लस टू वाई बराबर बत्तीस इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों ये हमारे पास दो इक्वेशन है ठीक है और आपसे बोला गया कि इसमें ट्यूशन मेथड लगाओ कौन सा मेथड लगाओ सबसी मेथड प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि लगाइए कौन सी विधि लगाइए प्रतिस्थापन विधि लगाइए प्यारे बच्चों आपको पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रतिस्थापन होता क्या है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा बच्चों प्रतिस्थापन विधि का मतलब जब हम किसी दो या तीन के बीच में किसी एक को उठा के उसे किसी और जगह पे रख दें, उसे किसी और जगह पे रख दें तो उस वैल्यू को कहा जाता है प्रतिस्थापन ये सिंपल शब्दों में हुआ जैसे कि मान लीजिए आप हो टेंथ क्लास के आप हो टेंथ क्लास के आपको आगे वाले डेक् से उठा के अगर पीछे वाले डेस्क पर बिठा दिया जाए तो क्या आपकी क्लास घट जाएगी नहीं घटेगी तब भी क्या रहोगे आप क्लास के बच्चे ही रहोगे ठीक है बाकी वो फर्स्ट बेंचर बैक बेंचर वो तो अपनी अपनी कहानियां लेकिन भाई होता क्या है कि भाई चाहे फर्स्ट बेंच पे बैठो चाहे सेकंड बेंच पे चाहे लास्ट बेंच पे आप रहोगे टेंथ क्लास के बच्चे ही तो बस प्रतिस्थापन में भी यही है मैं किसी की वैल्यू कहीं पर भी पुट करूं किसी को उठा के कहीं भी रख दूं उसकी वैल्यू जितनी पहले में है उतनी ही वैल्यू उसकी सेकंड में भी होगी तो बस यही सीखना चाहते हैं हम तो सीखना क्या चाहते हैं अब देखो इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से देख लिया आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन देखने में आपको ईजी लग रही है तो आप सीधी सी बात बोलोगे भैया ये वाली क्यों क्योंकि भाई इसमें कोई भी डिजिट वगैरह नहीं है जबकि इसमें डिजिट है इसमें डिजिट है।, इस है अब ध्यान से समझिए तो अब क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे हम जो इक्वेशन आपको आसान लगे मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ भाई आपके आपके लिए ये आसान है या ये आसान है देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि भाई इक्वेशन आसान लगे चाहे इक्वेशन आसान नहीं लगे मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको जो पसंद हो उससे करो ठीक है जैसे मैं पहले मान लो पहले मैंने ये देखा कि हाँ भाई मुझे देखने में ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है तो ठीक है मैं यहां लिखूंगा टेक इक्वेशन फर्स्ट टेक इक्वेशन फर्स्ट यहां लिखेंगे समीकरण एक लेने पर ठीक है अच्छा तो समीकरण एक उठा लिया जी हमने ठीक है क्या था समीकरण एक x प्लस वाई बराबर बारह अब यहां से क्या करो आप किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल लो किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल लो या तो x की निकाल लो या तो y की वो आपकी मर्जी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं या या वाई की आपकी मर्जी है एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की वैल्यू निकालो अब जैसे ये X है तो मैं X को पे, मैं को यहां की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं ये इधर कैसा है प्लस का उठा के वहां ले जाओ क्या हो जाएगा बारह माइनस वाई सही बात है भाई इस प्लस के वाई को उठा के वहां ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बारह माइनस वाई इसको मान लो इक्वेशन थर्ड क्या मान लिया आपने इसको इक्वेशन थर्ड अब देखो नाउ अब मुझे यह बताओ आप कि आपने जो ये x की वैल्यू निकाली है वो कौन से इक्वेशन से निकाली है फर्स्ट से तो अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन शुरू में लिया है तो पुट करेंगे सेकंड में और अगर आपने इक्वेशन सेकंड से लिया है तो पुट करेंगे फर्स्ट में ये बात अभी शायद समझ में ना आए लेकिन अगले क्वेश्चन पे ये समझ में आ जाएगी पहले लेकिन इस बात को ध्यान से सुनो कि मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ली फर्स्ट ध्यान से सुनिएगा बच्चों मैंने सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ली फर्स्ट और फर्स्ट से मैंने किसकी वैल्यू निकाली एक्स की फर्स्ट इक्वेशन से मैंने किसकी वैल्यू निकाली एक्स की तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन पहले ले चुका हूं और वैल्यू निकाल चुका हूं एक्स की तो पुट किस में करूंगा अगर मैं एक्स ले वन फर्स्ट इक्वेशन ले चुका हूं तो पुट करूंगा सेकेंड में तो आप लिखेंगे नाउ पुट एक्स इन इक्वेशन सेकेंड एक्स का मान दूसरे समीकरण में रखने पर समझ में आ रही बात कि अगर पहली इक्वेशन लेते हो तो सेकंड में रखो और अगर सेकंड लेते हो तो फर्स्ट में रखो अभी देखना वो भी दिखाऊंगा चलिए तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बत्तीस हां जी थ्री एक्स बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो जल्दी बता दो आप x की वैल्यू निकाल चुके हो 12 माइनस वाई तो जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 12 माइनस वाई रख दो तो x कहां दिखाई दे रहा है आपको यहां पे तो इसकी जगह पे रख दो माइनस वाई क्या मेरे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यह बात समझ में आई मैंने कहां से रखा ये मेरी किसकी वैल्यू है एक्स की तो जहां पर भी एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर मैं बारह माइनस पुट कर दूंगा ठीक है अब प्लस में टू वाई बराबर बत्तीस चलो अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो बारह छत्तीस तीन को वाई से तो माइनस तीन वाई प्लस टू वाई बराबर बत्तीस अच्छा छत्तीस बच्चों माइनस का तीन वाई प्लस का टू वाई तो माइनस हो जाएगा अब ये प्लस का बत्तीस इधर आएगा माइनस का होगा और माइनस का वाई इधर जाके प्लस का तो छत्तीस में से बत्तीस गया चार तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई चार वाई की वैल्यू कितनी आ गई चार चलो वाई की वैल्यू आ चुकी है बच्चों ठीक है वाई की वैल्यू आ गई अब क्या करना है अब ये वाई की वैल्यू कहां पुट करनी है वाई की वैल्यू इस थर्ड वाले में पुट करनी है ठीक है और अगर मैं एक बात बताऊं आप थर्ड वाले में नहीं भी पुट करोगे ना तो भी चलेगा अब आपकी मर्जी है आप चाहे फर्स्ट में पुट करो सेकंड में पुट करो थर्ड में पुट करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप थर्ड में ही कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो लिखेंगे पुट वाई इन इक्वेशन थर्ड वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर ठीक है ये जरूरी नहीं है कि तीन में किसी में भी रख दो सब चलेगा तो तीन समीकरण कितना है x बराबर बारह माइनस वाई हाँ जी y की वैल्यू कितनी है अभी अभी निकाली चार तो बारह में से चार गए कितना है आठ तो लीजिए सामने आंसर हाजिर है x का आंसर आठ y का आंसर चार चाहे तो आप चेक कर लो अब एक्स आठ वाई चार आठ और चार बारह होते हैं कि नहीं होते हैं फिर से चेक कर लो आठ यहां पे रखो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस फोर यहां पे रखो फोर टू जा एट तो भाई ट्वेंटी फोर और एट कितना होता है थर्टी टू तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है सही तो देखो एक तो तरीका मैंने ये सिखाया ठीक है अब इसी को सेकेंड इक्वेशन लेके करवाऊंगा तो जरा फटाफट इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं ठीक है लेकिन अब की बार देखो मैं क्या करने जा रहा हूं ठीक है मैथड यही है बस इक्वेशन लेने का स्टाइल बदल गया अच्छा पहले मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन ली थी लेकिन अब की बार मैं इक्वेशन कौन सी लूंगा भाई सेकंड, ठीक है तो लो भाई सेकंड इक्वेशन उठा लो ठीक है अब किसी एक की वैल्यू निकाल लो वो आपकी मर्जी आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो या वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो अब जैसे मान मान लो लो मैंने वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं वाई मैं वाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मान लो किसी की भी निकाल लो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो ये प्लस का थ्री एक्स वहां जाके क्या बन जाएगा जल्दी बोलो माइनस का थ्री एक्स ठीक है अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये टू तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाई ये टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके तो डिवाइड ही करेगा ना तो लीजिए वाई की वैल्यू आ गई थर्ड इक्वेशन वाई की वैल्यू क्या गई? ये बत्तीस माइनस तीन एक्स बटे में दो ठीक है अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हो तो सेकंड में पुट करो और अगर सेकंड इक्वेशन लेते हो तो किस में पुट करो फर्स्ट में मेरी बात को ध्यान से सुनना नहीं समझ मारा दो बार तीन बार सुनो ठीक है मैंने क्या बताया अगर आप यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लेते हो तो जो भी वैल्यू आए उसे सेकंड में रखो लेकिन अगर सेकंड इक्वेशन लेते हो तो जो भी वैल्यू आए उसे फर्स्ट में रखो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पुट वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वाई का मान समीकरण एक में रखने पर x प्लस वाई बराबर बारह एक्स तो अपनी जगह पे x रहेगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बताओ y की वैल्यू आई है 32 माइनस तीन एक्स बटे में दो यही आई है ना तो मैंने y की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी 32 माइनस तीन एक्स बटे में दो और बराबर में क्या लिख देंगे 12. बराबर में क्या लिख देंगे 12 अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई 2x वन को इससे मल्टीप्लाई बत्तीस माइनस थ्री एक्स नीचे के नीचे से तो टू बराबर बारह ठीक है अच्छा अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन ठीक है अच्छा तो देखो बत्तीस का टू एक्स प्लस का तो थ्री में से टू गया माइनस का एक्स ठीक है और अपॉन में टू बराबर बारह बटा एक अब एक को क्या करेंगे एक को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे दो को इधर ले जाएंगे बत्तीस माइनस एक बराबर बारह गुने में दो तो बारह दुनी चौबीस अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया नीचे से नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि नीचे की मल्टीप्लाई तब होती है जब बीच में प्लस या माइनस हो और अगर बीच में बराबर है तो क्रॉस तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कब नहीं करेंगे जब बीच में इक्वल हो ठीक है चलो तो ये रहा बत्तीस ये प्लस का 24 इधर आके माइनस का और ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का बत्तीस में 24 गए 8 बराबर एक्स तो देखो एक्स की वैल्यू 8 थी एक्स की वैल्यू 8 थी तो बस अब क्या करेंगे पुट एक्स इन इक्वेशन किस में थर्ड में और मैंने क्या बताया जरूरी नहीं है थर्ड में किसी में भी रख दो फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में चलो मैं करके दिखाता हूं चलो मैं थर्ड में ही कर देता हूं आप लोग चाहो तो फर्स्ट में सेकंड में ही कर लेना ठीक है एक्स का मान समीकरण तीन में रखने पर तीन में रखने पर तो चलो कितना है तीन y बराबर बत्तीस माइनस तीन एक्स बटा दो बत्तीस माइनस तीन एक्स की वैल्यू आठ बटा दो हाँ जी, y बराबर बत्तीस आठ दुनिया सो आठ या चौबीस बटा दो तो y बराबर बत्तीस में चौबीस गया आठ बटा दो कट गया चार तो y की वैल्यू चार और x की वैल्यू आठ यही था आंसर तो बच्चों इक्वेशन आप कोई सी भी उठा लो इक्वेशन आप कोई सी भी उठा लो आंसर आपका हमेशा सेम आएगा आंसर आपका हमेशा सेम आएगा ठीक है तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूं वो देखिए इसको नोट कीजिए दोबारा से चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने फटाफट देख लो एस माइनस टी बराबर तीन और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया ठीक है अच्छा अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार ये क्या आ गया ये फ्रैक्शन सही तो बड़ी मुसीबत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है पहले काम करो इस फ्रैक्शन को ना सिंपल में बदल लो कैसे बदलोगे आपको अच्छे से पता है टू को एस से कर दो टू एस थ्री को टी से कर दो थ्री टी नीचे को नीचे से थ्री टू जा सिक्स क्वल टू सिक्स नाम मत दो ठीक है इसके नीचे कुछ नहीं तो वन आपको पता ही है इक्वल के इस तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको इससे करोगे तो थ्री थर्टी सिक्स नीचे से नीचे तो होएगा नहीं मल्टीप्लाई क्यों क्योंकि बीच में बराबर है अच्छा अब इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो अब इसको क्या बोल दो सेकेंड इक्वेशन अब मैंने क्या बताया था कि कौन सी इक्वेशन देखने में सिंपल है जो इक्वेशन देखने में सिंपल लगे उसे भाई उठा लो और सॉल्व करना शुरू करो तो हमें तो साफ पता चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है तो हम लिखेंगे टेक इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक लेने पर ठीक है तो ये आ गया s माइनस टी बराबर तीन तो s की वैल्यू निकाल लो माइनस टी वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का t तो लो जी s की वैल्यू आ गई इक्वेशन थर्ड नाउ अब मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट उठाते हो तो सेकंड में रखेंगे सेकंड उठाते हो तो फर्स्ट में रखेंगे तो हमने तो क्या उठाया फर्स्ट तो हम किसमें रखेंगे सेकंड में पुट एस इन इक्वेशन किसमें जल्दी बोलो पुट एस इन इक्वेशन सेकंड। एस का मान एस का मान समीकरण दो में रखने पर तो है एस प्लस थ्री टी बराबर थर्टी तो 2s 36। तो 2, की वैल्यू कितनी है बच्चों जल्दी बता दो मुझे s की वैल्यू कितनी है s की वैल्यू है 3 प्लस टी इतना तो हर बच्चे को पता चल चुका होगा ठीक है प्लस 3t टी बराबर थर्टी चलो मल्टीप्लाई करें 3 टू जा 6 2 का t से करेंगे 2t टी थ्री टी बराबर थर्टी सिक्स अच्छा भाई 6, 2T और थ्री टी कितना सिक्स वहां जाके क्या हो गया माइनस कितना आ गया थर्टी फाइव इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कैंसिल आउट सिक्स टी की वैल्यू सिक्स टी की वैल्यू सिक्स अच्छा टी सिक्स आ गया अब जब टी सिक्स आ गया तो एस तो आराम से निकाल ही लेंगे तो वापस पुट टी इन इक्वेशन थर्ड बाकी किसी में भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता टी का मान समीकरण तीन में रखने पर तो मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना अब खतरनाक तरीके से बिल्कुल आगे बढ़ जाओ सौ नंबर लेने ठीक है अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर क्यों मजाक कर रहे हो ठीक है तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं मैं सीरियस हूं बिल्कुल यही ये, ये सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी बस आपको सिंपल तरीके से ठीक है तो t की वैल्यू आ गई सिक्स और s की वैल्यू आ गई आपकी नाइन तो चाहे तो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर बिल्कुल सही है s की वैल्यू नाइन t की वैल्यू सिक्स नाइन में से सिक्स जाएगा थ्री आ जाएगा हाँ की ना सही बात है तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करना है हमें ठीक है तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए ठीक है फिर मैं एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ चलिए तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं ठीक है वो देख लीजिए और जैसे ये है 3.3 के फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन रूट टू एक्स रूट थ्री वाई बराबर जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई बराबर जीरो अब कुछ बच्चे तो देख के ना बिल्कुल घबरा गए होंगे क्या आ गया रूट क्योंकि रूट आते ही आधे से ज्यादा बच्चों के जो दिल की धड़कन होती है ना वो चरम सीमा पे होती है अपने बिल्कुल हाई पे पीक पे होती है क्या भाई अब हार्ट अटैक आ जाएगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है भाई बिल्कुल नकली चीज होती है ये जो रूट है ना ये बस तुम्हें डराता है असल में पता है क्या क्या आप लोगों का दिमाग इनसे खतरनाक है ठीक है अगर आप चालो ना तो रूट आपके आसपास नाचेगा कि हाँ भाई अब मेरे सामने आगे सॉल्व करके मानेगा तो बस वही चीज है सॉल्व करके मान जाओ ये फर्स्ट ये सेकंड आप कहोगे सर आसान तो देखने में कोई सा भी नहीं लग रहा तो जब देखने में कोई भी आसान नहीं लग रहा तो किसी को भी उठा लो ठीक है मान लो हमने सेकंड को उठा लिया सेकंड समीकरण दो लेने पर तो चलो बोलती बंद करते हैं इस क्वेश्चन की माइनस की चीज उधर जाके क्या बनने वाली है प्लस की ठीक रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा बच्चों डिवाइड तो लो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई रूट आठ बटा रूट तीन वाई ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड अच्छा अब आपको अच्छे से पता है कि थर्ड आ गया तो हम क्या लिखेंगे पुट एक्स इन इक्वेशन किस में जल्दी बोलो सेकेंड उठाया तो किसमें रखेंगे फर्स्ट में पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है एक में रखने पर ठीक है चलो रखना जरा तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर जीरो अब अच्छा रूट टू एक्स कितना है जल्दी बोलो रूट आठ बटा रूट तीन ठीक है यही है ना चलो मैं मतलब सही से लिख देता हूं आपको रेड पेन से, अच्छे से हाँ जी रूट टू एक्स की वैल्यू बोलो एक्स की वैल्यू है रूट आठ बटा रूट तीन और क्या है साथ में साथ में है वाई साथ में कितना है साथ में है वाई ठीक है और प्लस रूट थ्री वाई बराबर जीरो यही था बच्चों देख लो ध्यान से क्या लिखा है मैंने फिर से देख लो क्या लिख दिया मैंने एक्स की जगह पे ये पूरा उठा के मैंने पुट कर दिया कोई समस्या नहीं अब देखना आप देखो क्या जादू दिखाने हूं मैं आपको अच्छा रूट दो और रूट आठ की मल्टीप्लाई तो क्या होगा रूट और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से आठ दुनी सोलह बटे में रूट तीन वाई प्लस प्लस रूट तीन वाई इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक बराबर जीरो अच्छा जल्दी बताओ रूट सोलह होता क्या है चार होता है होता है कि नहीं होता वाई रूट तीन प्लस रूट तीन वाई बटे में एक बराबर जीरो पस आगे काम पे एक को इससे चार वाई रूट तीन को इससे बच्चों रूट तीन मल्टीप्लाई में रूट तीन जल्दी बोलो तीन याद है ना नाइन्थ में सीखा है आपने कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या होता है ए तो रूट तीन मल्टीप्लाई में रूट तीन तीन अपॉन में नीचे के नीचे से रूट थ्री बराबर जीरो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन की इससे मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार वाई प्लस तीन वाई इसकी इससे तो रूट थ्री को तो करोगे तो जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है और नीचे से नीचे की करेंगे नहीं तो चार और तीन सात वाई सात यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड तो वाई की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो अच्छा अब जब वाई की वैल्यू जीरो आ गई है तो क्या करेंगे थर्ड में रखेंगे पुट वाई इन इक्वेशन थर्ड वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर रखने पर ठीक है तो चलिए एक्स बराबर रूट आठ बटा रूट तीन वाई और जल्दी बता दो वाई की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाली है जीरो और जीरो से तो कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा जीरो तो x भी जीरो और y भी जीरो तो इस प्रकार से बच्चों हमने आप लोगों को भाई ये सॉल्व करके दे दिया है अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार दो बार तीन बार इन वीडियो को देखिए और आज मैं इसका कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं रीजन क्योंकि मैं आज आप लोगों को सिर्फ ये टॉपिक सिखाना चाहता था और वो सिखा चुका हूं अब अगली क्लास में और भी वेराइटीज के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जब तक मैं इसके 10, 15, 20 क्वेश्चन ना करवा दूं, मैं तब तक आप लोगों को इसका होमवर्क नहीं दूंगा फिर जब इसके कल मैं नेक्स्ट क्लास में 5, 6, 10 क्वेश्चन करवा दूंगा फिर आप लोगों को मैं कम से कम तकरीबन 10, 20 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा ठीक है तो फिलहाल आज की क्लास को समझिए और इसी की प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यही खत्म करते हैं चलिए